क्या परफॉर्मेंस था भाई, इस पे जरूर शायर बनता है। तो सुनिए शायर एक तो हमारा वाला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहते हैं लेकिन मुमताज नहीं मिलती। ओ भाई साहब एक मिनट रुको, ये क्या कर रहे हो, ये आप देखते क्यों क्यों पढ़ रहे हो? अरे हम पे गजनी का भूत सवार है, कितना लिख के रखेंगे, लिख लिख के तो पागल हो चुके हैं और अभी पेपर में लिखे हैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है एक मिनट, आपको तो लगता है NIT में बेस्ट शायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए। अरे शुक्रिया। हाँ भैया, अच्छा तुमसे मुझे दो सवाल पूछने हैं। पूछो। अभी तुमने देखा हमारे साहब ने कितना अच्छा शेर सुनाया, ठीक है? अच्छा। हाँ अच्छा, ये देखो पहला सवाल ये है, जब एक लड़का शायरी बनाकर उसे सुनाता है तो उसे शेर कहते हैं, ठीक है? अगर एक लड़की बना के बोले तो उसे क्या बोलेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है, हमेशा से लड़के ही ज्यादातर क्यों सुनाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं सुनाती? पहले तो राकेश, अगर ये शेर कोई लड़की बोलती तो ये शेर नहीं कहलाता, ऐसे वाह क्या शेरनी है, वाह इस शेरनी का तो कोई जवाब नहीं। वाह। और दूसरे का आंसर ये कि लड़कियों को कोई फालतू के काम का शौक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है, हम सब लड़के फालतू हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा अभी हमारा विनायक आएगा, तुम सब लड़कियों की छुट्टी कर देगा। ओ होल्ड ऑन, हमारी पार्वती भी कोई कम नहीं, वो आएगी तो तुम सारे लड़के। अरे वो बोलती है उसकी पार्वती हमारे विनायक की छुट्टी कर देगी। और उसको देखो वो बोलता है विनायक अच्छा है। अरे परफॉर्मेंस होने दो, उसके बाद देखते हैं कौन कैसा करता है। ठीक है, देखते हैं। चलो फिर विनायक और पार्वती को स्टेज पर। Hey, Shona.